तो यस, हु इज ऑस्कर? ऑस्कर क्या बोल? हैप्पी हैप्पी टू गो। एक्साइटेड एक्साइटेड फाइनली हम भुईगांव बीच पे। कई लोग इसे मिनी गोवा भी कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया व्लॉग लेकर आए हैं आप सभी के बीच, और आज का व्लॉग भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो किसने बोला? ए दिस इज माय ऑस्कर। तो चलो आई लेट यू मीट माय ऑस्कर। और आज हम ऑस्कर को फर्स्ट टाइम बीच पर लेके जाने वाले हैं। व्हाट इज द ऑस्कर? हे ऑस्कर, व्हाट हैपेंड? ऑस्कर माय ब्रदर सौरभ, सौरभ काफी केयर करता ऑस्कर की। ही लव पेट्स टू मच, और ये काफ़ी ध्यान रखता है मेरा ऑस्कर का, बिकॉज मैं तो शूट्स एंड ऑल में बहुत बिजी रहता हूँ, तो मैं नहीं रख सकता, मतलब इतना, मतलब क्या शायद नहीं कर पाऊँगा, तो वो मेरी पूरी कमी ये पूरी कर देता है। तो आफ्टर हैविंग हिज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम जाने वाले नीचे, एंड देन आई एम गोइंग टू टेक हिम एट अ बीच, जाएंगे और उसको साथ में खिलाएंगे और मस्ती करेंगे। तो चलो अब मैं आपको ट्रैवल पे मिलूँ। व्हाट हैपेंड? आर यू वॉकिंग ऑस्कर? आर यू वॉकिंग? व्हाट हैपेंड ऑस्कर? एक्चुअली मेरा प्लान था कि वी शुड गो थ्रू द ओला या उबर, बट मेरे मामा जी हैं पीछे और उनकी टैक्सी है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपनी गाड़ी से जाए, बिकॉज ओला उबर में आप जाओगे तो आपको थोड़े रेस्ट्रिक्शन होंगे, और अपनी गाड़ी में हम अपने हिसाब से आराम से घूमते फिरते जाएंगे। तो आई ऑल्सो मीट यू गाइस मेरे मामा जी से। तो हम जा रहे हैं उसके, नो बहुत शैतान है, बहुत शैतान। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, सो दिस इज़ द टैक्सी। ये मेरे मामा जी हैं, और ऑस्कर देखो कितना खुश है जाने के लिए। ऑस्कर क्या बोल? हैप्पी हैप्पी टू गो। ओ सो द इंग्लिश। ओ नो हम बात। चलो गो गो टू द कार, चलो मूव जंप, चल गो टू द कार, चल। ये ऑस्कर टू लव टू गो। गुड बॉय, गुड बॉय, यस गुड बॉय, ये फर्स्ट टाइम टैक्सी में ट्रैवल। हां मैं आगे बैठ जाता हूं, आगे बैठ जाऊं? चलो आई एम सिटिंग। ओ ये सारे प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, और मैं सीट बेल्ट लगा लूं। आई हैव टू बेबीज। हाय ऑस्कर, थ्री बेबीज। देखा देखा ऑस्कर, ऑस्कर ऑस्कर सी बेबीज, ऑस्कर छोटे। ओह नो छोटे, ऑस्कर इज बार्किंग ओवर देम। उसको लग रहा है कि खेलना चाहिए उनके साथ। और ये देखो दूंगा, मैं भुईगांव बीच के बारे में बताऊंगा, एंड देन मैं अपने ऑस्कर के बारे में भी बताऊंगा। बहुत हैप्पी है ये। वो ऑस्कर लव्स टू प्ले। सो यस फाइनली हम भुईगांव बीच पे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एनचेंटिंग बीच। कई लोग इसे मिनी गोवा भी कहते हैं। मिनी गोवा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो सीनरी है वो ऑलमोस्ट गोवा का फील देती है। मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, ये देखो पीछे ऑस्कर मामा जी के साथ भी खेल रहा है। तो ये पूरा का पूरा ना एक मिनी गोवा है, मतलब गोवा का पूरा फील मिल जाएगा आपको। और अगर आप मेरे पीछे साइड दिखोगे तो लुक एट द ट्रीज, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। काफ़ी वेल नोन जगह है ये वसई में। वसई में ये स्टेशन से ऑन एन अप्रॉक्स 11-12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेट करता है, और काफ़ी अच्छी जगह यार, आओ घूमो, बिकॉज बहुत ही पीसफुल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑस्कर क्या कर रहा है। ऑस्कर काम काम। तो यस, हु इज ऑस्कर?
तो ऑस्कर बेसिकली एक छोटा सा पपी है जो ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स का है। इसे मैं पुणे से लेके आया था। ये एक चैम्पियन लाइन का ना, ओके चैम्पियन लाइन का हैवी बोन डबल कोट जर्मन शेपर्ड है जो काफ़ी अच्छी लाइन से बिलोंग करता है। ये KCI रजिस्टर्ड है और इसके सारे वैक्सीनेशंस भी हो गए हैं, इसलिए आज हम इसे घुमाने लाए हैं। बिकॉज डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि जब तक सारी की सारी वैक्सीनेशंस ना हो जाए तब तक के लिए इसे बाहर ले जाना बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होता है। तो हमने इसका जो भी है LDPI आई थिंक सो वो था 3 समथिंग डोज था, उसको हम लोगों ने कम्प्लीट किया। एंड देन एक कोविड का डोज कम्प्लीट किया और रेबिस कम्प्लीट किया और उसके बाद अब ये प्रॉपरली सेफ है डिवॉर्मिंग के साथ। तो देखो हम दिखाते हैं, ऑस्कर हमारे साथ में घूमने आया है। तो वेयर इज ऑस्कर? ऑस्कर 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 कम ऑन ऑस्कर कम ऑन ऑस्कर कम 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 इधर आएगा, अपने आप जंप करें। कम जंप जंप वू गुड बॉय कम ऑन गो कम ऑन जंप कम वू ऑस्कर कम गुड बॉय ऑस्कर कम गुड बॉय। आराम से ऐसे जगह से लेके जाना उसको लगे ना बिल्कुल भी, वहाँ थोड़ा वो है, यहाँ पे सही है। ऑस्कर क्या कर रहा है? Why so angry, Wanna play with me? ये मेरे साथ में खेलना चाहता है एंड आई एम बिजी विथ व्लॉगिंग, सो गुस्सा आ रही है। सो क्या हुआ? सो गो एंड प्ले ऑस्कर, गो गो गो। ओह इट्स रनिंग। ये सभी को नाचना चाह रहा है। We do have horse riding over here. आप यहाँ पर आके हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, ये भी चीज यहाँ पर अवेलेबल है। Good boy. एक चीज की प्रॉब्लम है यहाँ पे, इधर पे फूड फैसिलिटीज बहुत कम है, तो इट्स वेरी बेटर कि हम अपना खुद का टिफिन या खाना जो भी है वो कैरी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देख सकते हो आप कितना कितना प्यारा लोकेशन है। तो अब हम घूम रहे हैं, ऑस्कर को बहुत मज़ा आ रहा है। Also, जैसे कि मैंने आप लोग से बोला था, तो आज ऑस्कर को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। वैसे कई लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में आते हैं। ऑस्कर ऑस्कर मजा आया? ऑस्कर फर्स्ट टाइम आया है इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो, और क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी देखना कैसे ऑस्कर जंप करेगा। गुड बॉय। गाइस मेरा बचपन से सपना था कि एक जर्मन शेपर्ड लाने का, और मैंने भाई से रिक्वेस्ट की और ये भाई ने मुझे जर्मन शेपर्ड ला के दिए। सो मेरी जितनी भी ख्वाहिश रहती ये भाई मेरी पूरी कर देते, बस एक बार बोलने की देरी है। वाई हमें डॉग्स को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए? बिकॉज कैजुअली जैसे हम घूमते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, वैसे डॉग्स को भी जरूरत होती है। आप देख सकते हो कितना हैप्पी है ये आज, इट्स वेरी प्लेफुल डॉग, और ऐसी जगह पे आने के बाद में ऐसे डॉग्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि हमें कितना क्रेज था एक पेट डॉग को लेके, मुझे सौरभ को मॉम को हमें पेट डॉग मतलब एज एन पेट रखना बहुत पसंद है। मैंने कई पेट्स पाले, मैंने पैरेट पाले है ना, कई तरीके के हमने फिशेस पाले हैं, टॉर्टोइस अभी भी है हमारे घर पे, मैं रैबिट लेके आ चुका हूँ जो मैंने मामा जी को भी दिया था, उनको भी बहुत परेशान किया था रैबिट ने, और उसके बाद में मैंने कई फिशेस पाले हैं, बर्ड्स पाले, काफी एग्जॉटिक डॉबरमैन डॉग भी था हमारे पास में, बगीरा आपको पता होगा। सो भाई ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे एक दूसरा डॉग लाके दूंगा, हम लोग जल्द ही घर शिफ्ट करने वाले थे। सो भाई ने मेरा प्रॉमिस मुझे पूरा करके दिया, मेरे लिए एक जर्मन शेपर्ड लाया। सब जो भी बोलता हो, खाली जो भी मैं एक बार बोलने की देर रहती है और भाई मेरे लिए वो चीज़ कर देते हैं। सो मैं चाहता हूँ ऐसा ही भाई सबको मिले। सो भाई शूटिंग पे काफ़ी ज़्यादा ही मतलब बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा। सो उन्होंने मुझे बोला कि देख अगर तू केयर पर कर पाएगा तो ही तू लेना, वरना तू मत लेना।
बिकॉज कि मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी फैमिली की नीड्स पूरी ना कर सको, उनके विशेज पूरी ना कर सको, तो आपकी कमाई बेकार है। बिकॉज मेकिंग बैंक बैलेंस वो ठीक है, ज़रूरी है लाइफ में आगे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, या कह सकते हैं कि अपनी लिविंग को मेंटेन रखने के लिए बैंक बैलेंस रखना भी ज़रूरी होता है, बट उससे कई ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी फैमिली को खुश करना। सही, वो उसका जो भी फैक्टर हो, अब सबकी फैमिली का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, अपना अपना फैक्टर होता है, सबका अपना बैकअप होता है, अपने अपना पर्सनल, सब सबकी लाइफ अलग है। तो मैं किसी की लाइफ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं किसी को बता नहीं सकता कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर और ना ही मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मेरे पास ऐसा कुछ है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ ऐसी बुक्स को एंड आई हैव अ बिट नॉलेज अबाउट ऑल दैट स्टफ्स, लेकिन ठीक है। तो आज खैर हम लोग अभी तो इतना ही बात करेंगे। तो यस, हम घर पहुँच चुके हैं और ऑस्कर भी घर पे आ गया है। तो ऑस्कर चलो चलो, आप मम्मा से मिलेंगे, आप मम्मा से मिलेंगे। चलो ऑस्कर, ऑस्कर ऑस्कर मम्मा, ऑस्कर मजा आया? ऑस्कर आज बहुत घूम के आया। आज ऑस्कर ने बहुत मस्ती की, बहुत घूमा। यही है वो शख्स जो पहले मना करती थी, बोलती थी डॉग लेके आएगा, उसकी पॉटी कौन साफ करेगा, उसको देखिएगा कौन, ध्यान कौन रखेगा। अब हम लोग से ज्यादा लाडला ये हो गया है, मम्मी के पास में ये रहता है, हर चीज मम्मी के पास में यही करेगा, खाना पहले मम्मी के लिए रहता है ये। हाँ, अभी क्या बोल रहा है भाई? अभी अच्छा लग रहा है। पहले क्यों खराब लगता था? फिर जब मैं छोटा था, कौन पोटी साफ करेगा, इसके लिए बेकार लगता था। अच्छा, अभी इतना परिवार में सदस्य भी बन गया, अभी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा लगता है। देखिए अभी चले गए घर में, ऐसे ही पेट्स रखने के बाद घर में कैसी खुशी रहती है आप लोग देख सकते हैं। अभी कभी कहीं चले जाता है 10 मिनट इधर उधर, बहुत खराब लगता है, इधर गया आता है, सबको प्यार करता है, इतना अच्छा है। देखिए कितना अच्छा बॉन्ड बना के रखा है ऑस्कर ने भी हमारे घर में, इतना समझदार है, बहुत अच्छा लगता है परिवार में। ये भी एक चीज है कि पेट्स के आने के बाद, वेदर डॉग हो या कुछ भी हो, पेट्स के आने के बाद ना फैमिली का बॉन्ड ही बहुत बढ़ जाता है ना, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए, घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बहुत मजा आता है। एक एक मोमेंट उनके देख के बहुत बहुत याद आते हैं, बहुत मजा आता है। मूछ नहीं बोलता लेकिन समझदारी बहुत रहता है हमारे अस्तर। वाह, हमारे परिवार का एक सदस्य बन गया, इसके मेरे घर बहुत बेकार लगता है। तो भैया मम्मी तो फैन हो गई ऑस्कर की, और अब तक तो शायद आप लोग भी हो ही गए हो गया, और अगर हो गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता है ना भाई। हाँ भाई, बेल लाइक मस्त सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ऑस्कर को आगे ही देखते रहना है और अपडेट रहना है मेरी लाइफस्टाइल, एसआर ब्रदर्स की लाइफस्टाइल, एसआर के बारे में, मेरे बारे में, या पूरी टीम एसआर के बारे में, और या मेरे ऑस्कर के बारे में। तो मैं आपको इस ब्लॉग चैनल पे दिखाते रहूँगा और कई तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। बस ये इतना कंटेंट नहीं होने वाला, ये चैनल किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर टिकने वाला नहीं है। ब्लॉग मतलब ब्लॉग, हर तरह का ब्लॉग करेंगे, मोटो ब्लॉग, ट्रैवलिंग ब्लॉग, फूडी ब्लॉग, घूमना फिरना, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलो अब मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो।